Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं टॉप टीचर कोर्सेज आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन के बारे में. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने आपका प्लस टू यानी कि 12th या तो फिर प्लस टू प्लस थ्री यानी कि ग्रेजुएशन जो है पास आउट हो चुके हो और आप टीचर के कोर्सेज में आगे जो टीचर के कोर्सेज करना चाहते हो, टीचरिंग के फील्ड में जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपना करियर का जो है जो करियर है उसमें सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए गाइस क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, कौन से कोर्सेज जो अवेलेबल है टीचर्स के लिए आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, कौन से कोर्स कितने टाइम पीरियड के है, कोर्सेज से क्या प्रॉफिट है आपका, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर और कोई भी नया हम करियर गाइडेंस का वीडियो डालते लाइक जैसे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप टीचर के कौन से टॉप टीचर के कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन, उसी तरह से अगर और कोई भी नया वीडियो हम बनाते हैं करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो अगर आपको जो है नोटिफिकेशन देना चाहे तो ये तभी पॉसिबल होगा गाइस जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, साथ ही बेल आइकन बटन दबाया होगा. तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपको, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा इसे साथ ही, ताकि आपके जितने दोस्त हैं उन्हें भी इसका जो है फ़ायदा हो पाए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं टॉप टीचर कोर्सेज आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन के बारे में और डिटेल में जानना. तो गाइज उसके लिए मैं आपको सिंपली क्या करना होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा. अब गाइज जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टीचर कोर्सेज आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन, करियर, सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी के सारी जो मेन टॉपिक्स है जो हम आज वीडियो में कवर करेंगे. सो गाइस मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई दे. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो भी डिटेल्स बता रहा हूँ सारी के सारी डिटेल्स आप जो खुद मैनुअली चेक करना चाहते हैं जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आके सारे के सारे डिटेल्स जो है खुद भी चेकआउट कर सकते हैं. सो गाइस सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ये यहाँ पे जो लाइन लिखा है कि टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन. जी हाँ, टीचिंग जो है एक बहुत ही जो है नोबल प्रोफेशन है और उसी के साथ जो टीचिंग का जो प्रोफेशन उसकी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा वैल्यू है सोसाइटी में. यानी कि अगर आप एक टीचर है तो आपको जो है दूसरे लोगों के द्वारा जो है अलग ही एक रिस्पेक्ट और अलग ही एक वैल्यू जो है आप लोगों को मिलती है. उसी के साथ गाइस जो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन के जो है डेवलप्ड होने में. लाइक अगर जो है किसी नेशन के जो लोग है ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग रहेंगे तो उसका जो नेशन है उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से जो डेवलप्ड हो पाएगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट उस नेशन में होगा. उसी तरह से गाइस टीचर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारे सोसाइटी में. और उसी के साथ गाइस इस वीडियो में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूँ लाइक टीचिंग के कौन से कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के बारे में, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, आप कौन से एलिजिबिलिटी आप में होनी चाहिए टीचिंग का जॉब जो है सेलेक्ट करने के लिए, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, पीजी कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल्स, कौन से आपके कोर्सेज अवेलेबल है और कौन से कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. उसी के साथ गाइस टीचिंग क्या होती है मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, टीचिंग का मीन सिर्फ ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, टीचिंग का मतलब ये भी होता है कि साथ साथ जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो उनको जो है शेप करना है, मीन्स उनको जो है तराशना है एक गुड सिटीजन्स में और एक ह्यूमन बींग में. यानी कि एक अच्छे ह्यूमन बींग, अच्छे सिटीजन्स में आपको जो है उन्हें कन्वर्ट करना है, उन्हें तराशना है, ताकि वो जो स्टूडेंट से पढ़ा हो के फिर एक अच्छा सिटीजन बने, अच्छा ह्यूमन बींग बने और उससे जो है हमारे नेशन में डेवलपमेंट में हेल्प हो पाए. सो गाइस चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं. लाइक गाइस हमारे कंट्री में जो है क्वालिफाइड टीचर्स जो है बहुत ही कम है, यानी कि क्वालिफाइड टीचर्स का हमारी जो कंट्री में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स जो है बराबर प्रोवाइड नहीं हो पाते. सो गाइस ये एक ही रीज़न जो है बहुत ही मेजर रीज़न है, बहुत ही बड़ा और अच्छा रीज़न है जिसकी वजह से टीचर्स का जो है डिमांड अच्छा रहता है, क्वालिफाइड टीचर जो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर रहते हैं उनका जो अलग ही जो है रिस्पेक्ट रहता है और उनकी अलग ही वैल्यू की जाती है सोसाइटी में. और साथ ही साथ इस जो कोर्स है यानी कि टीचर्स का जो है टीचर्स के जो कोर्सेज का जो डिमांड भी इसीलिए जो है हाई रहता है. उसी के साथ कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं अपना प्रोफेशन मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये सारे सारे चीज़ों में जो है सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें जो है टीचिंग का कोर्सेज मिले उनके लिए इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बता दी जाएगी किस तरह से आप टीचिंग का कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, टीचिंग का जो कोर्सेज है तो उसकी जो सैलरी की बात की जाए, पे की बात की जाए तो दूसरे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ इनके मुकाबले थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसी के अलावा आपको उसके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं. लाइक कौन से एडवांटेजेस आपको मिलते हैं टीचिंग कोर्सेज में वो मैं आपको
एडवांटेजेस में मिलते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है रिस्पेक्ट प्रोफेशन इन सोसाइटी, यानी कि अगर गाइस आप जो है आपसे अगर कोई पूछता है कि आप जो है कौन सी जॉब करते हो, तो अगर दो दो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर दो कैंडिडेट है, दो पर्सन है, उनमें से अगर किसी एक पर्सन से पूछा जाए कि आप जो है किस चीज़ का जॉब करते हो, आप क्या करते हो, तो अगर वो कहे मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मैं मेडिकल, तो ठीक है, जो रहते सोसाइटी में जो पर्सन रहते हैं वो बोलेंगे ओके ठीक है। लेकिन वही दूसरी जगह आप और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या, आप क्या करते हो, तो अगर आप कहेंगे टीचर हो, तो वो आपके लिए उनके जो माइंड सेट में एक अलग ही इमेज बन जाती है, आप लोगों के लिए जो अलग ही वो जो है रिस्पेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो वही यहाँ पे बता दें कि रिस्पेक्ट प्रोफेशन है सोसाइटी में। सेकेंड चांस टू एड इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि जो है अपना नेशन, अपना कंट्री जो बिल्ड करने में आपका भी एक थोड़ा सा जो उसमें जो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हो जाता है इनडायरेक्टली। और फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग भी उसमें है, यानी कि जो आपको पैसे से भी जो है अच्छी तरह से फाइनेंशियल भी रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन से करियर ऑप्शन है टीचिंग में आफ्टर 12, यानी कि आफ्टर 12 आपको कौन से करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। जो कहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज बता दी कि कौन से फॉर्मेट में इंडिया में जो कोर्सेज टीचिंग के लिए अवेलेबल है। लाइक सबसे पहले जो सर्टिफिकेट कोर्स है, सेकंड डिप्लोमा हो गया, बैचुलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और फिर डॉक्टरेट हो गया, यानी कि यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फिर बैचुलर्स, बीएससी, एमएससी, मास्टर्स और फिर पीएचडी, डॉक्टरेट, ये पाँच फॉर्मेट में जो है आपको इंडिया में जो है डिग्रीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए अभी यहाँ पे जो आपको पूरी लिस्ट दे दी है टीचर्स कोर्सेज के आफ्टर 12, तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बता दिया है। लाइक बीएड का फुल फॉर्म यहाँ पे दीजिए बैचुलर ऑफ एजुकेशन, सो गाइस यहाँ पे बीए और प्लस बीएड, यानी कि बीएड का फुल फॉर्म दे दिया पहले बैचुलर ऑफ एजुकेशन। और गाइस उसी के साथ ये जो डिग्री है ये जो है एक पर्सन के कैंडिडेट के एलिजिबल बनाती है टीचिंग प्रोफेशन के लिए, यानी कि अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री लेना है तो उसके लिए ये बेसिक डिग्री आपके पास बीए या बीएड की डिग्री होना जरूरी है। उसी के साथ ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का माना जाता है ये, पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स निकालना, यानी कि जो ऐसे जो शॉर्ट टाइम में, यानी कि जो भी टीचर्स है, जो भी स्टूडेंट जो है शॉर्ट टाइम में जो कोर्स पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम निकाला, लाइक बीए इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है, जिसमें आपको जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, यानी कि आपको इंडायरेक्टली यहाँ पे जो है ड्यूअल डिग्री मिलेगी। उसके साथ ड्यूरेशन की बात की जाएगा, तो ये जो कोर्स है टोटल 4 ईयर्स का जो है ड्यूरेशन है, यानी कि आपको जो है 4 साल लगेंगे इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और 4 साल में आपको यहाँ पे 4 एकेडमिक ईयर्स भी मिलेगा, यानी कि हर एक साल में अलग अलग ईयर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पूरी तरह से रहेंगे। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो गाइस आप 10+2 यानी कि 12 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, नो इशू। उसी के साथ आपको जो इंग्लिश में जो है मिनिमम 50% इंग्लिश सब्जेक्ट आप में रहना चाहिए, और 50% मिनिमम एग्रीगेटेड मार्क्स आपके आए हुए रहने चाहिए, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल से, आप बोर्ड से आपने जो अपना 12 दिया हो, 50% एग्रीगेटेड, यानी कि सबका मिला के 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे आपको जो बता दे रहा अभी कि डीए, यानी कि डीएड क्वालिफिकेशन होल्डर जो है उन्हें जो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको डीएड की डिग्री और आप जो है बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपको जो है डीएड के थ्रू आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि आपको 3 ही साल का कोर्स रहेगा, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे गाइस और भी सारी चीज़ें दे दी गई, लाइक अगर आप जो सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप वो जो क्लियर कर ले तो आपको जो है स्टेट तो आपको जो डायरेक्टली केंद्रीय विद्यालय में जो है टीचर्स की जॉब मिल सकती है, या फिर स्टेट टीईटी रहता है, यानी कि हर एक स्टेट का जो टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है, तो अगर आप वो क्रैक करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको मीन्स पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की। सो गाइस पहले जो है बीएड कोर्स के जो अगर आप जो इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स थे वो सिंपली सिर्फ बीएड कोर्स करते थे, और बीएड कोर्स करने के बाद वो जो है बीएससी कोर्स रहता था उनके पास। पर उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एक और कोर्स बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि गाइस ये और ज़्यादा सिंपल हो गया स्टूडेंट्स के लिए, जो अलग अलग डिग्री करनी पड़ती थी, बीएड का अलग से डिग्री करना पड़ता था स्टूडेंट्स को, बीएससी का अलग से करना पड़ता था, उन्हें ज्वाइन करके बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बना के यहाँ पे और सिंपल कर दिया उन लोगों के लिए। लाइक यहाँ पे आप जो है बीएससी और बीएड दोनों का कम्बिनेशन कम्बाइंड डिग्री आपको यहाँ पे जो करने मिलेगा, आप चाहे तो इसमें जो भी सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट आप परस्यू करना चाहते हो सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात की है तो गाइस ये जो कोर्स है वो 4 ईयर्स का ड्यूरेशन, यानी कि 4 साल का टोटल ड्यूरेशन रहेगा आपको, 4 साल में पूरी ये कोर्स जो अपने 4 साल का पीरियड का रहेगा।
एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 आपका जो साइंस स्ट्रीम से पास आउट रहनी चाहिए आप, यानी कि आपका जो 12th पास आउट रहनी चाहिए आप विद साइंस स्ट्रीम, सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से पास रहनी चाहिए और कोई भी जो स्ट्रीम में नहीं चलेगा। उसी तरह से गैस आपके जो मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स आए हुए रहने चाहिए, अगर ओवरऑल मिला कि 12th में आपके जो 50% एग्रीगेटेड परसेंटेज आए हुए चाहिए। और यहाँ पे अगर जो डीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट यानी कि किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट ने डीएड का जो क्वालिफिकेशन किया कंप्लीट कर लिया होगा तो उन्हें जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में यहाँ पे भी एडमिशन मिल जाएगा, उन्हें यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर जो है पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और उसी की तरह यहाँ पे आपको फिर से बता दिया गया इसके, अगर आपने सीटीईटी या टीईटी स्टेट टीईटी क्रैक किया होगा तो सीटीईटी के थ्रू आपको जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। उसी तरह से और भी कई सारे स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है, यानी कि जॉब आपको जो है असाइन की जा सकती है। उसी तरह से अगर आपने स्टेट टीईटी किया होगा तो उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको जो है जॉब मिल सकता है एज अ टीचर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बीएड के बारे में। तो क्या बीएड का फुल फॉर्म यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन है। उसी के साथ गाइस ये एक एलिमेंट्री टीचिंग प्रोग्राम है और इस कोर्स को डिज़ाइन किया था स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए कि वो जो है प्राइमरी स्कूल टीचर बन पाए। और इसमें जो है आपको थियरी और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिकम कोर्सेज भी आप इसमें जो इंक्लूड रहते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो गाइस ये कोर्स जो है टोटल 4 साल का रहता है और इसका जो थियरी पार्ट है वो 3 साल का रहता है और जो 1 ईयर बचता है वो जो है प्रैक्टिकम कोर्सेज के लिए रहता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10+2 पास रहने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स नो इशू। मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स आपके आए हुए रहने चाहिए और ये जो एग्रीगेटेड मार्क्स है गाइस वो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट वेरी करता है, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट में 40% भी है, किसी में 55-60% भी है। वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप जो है बीएड का कोर्स कर रहे हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डीएल की बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे डीएल का फुल फॉर्म दे दिया गया आपको, लाइक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये एलिमेंट्री एजुकेशन है गाइस ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इनडायरेक्टली, और ये जो है बीएल का एक अल्टरनेटिव है इनडायरेक्टली। और इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स को जो है कैपेबल किया जाता है एलिमेंट्री स्कूल टीचर बनने के लिए, यानी कि उन्हें ट्रेन किया जाता है इनडायरेक्टली एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए। और ये जो कोर्स है टोटल 2 ईयर लॉन्ग कोर्स है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है गाइस 10+2 पास रहनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप जस्ट 10-12 पास रहने चाहिए। और आपका जो 50% एग्रीगेटेड मार्क्स आए हुए रहने चाहिए, यानी कि 12th में आपके ऑल ओवर 50% एग्रीगेटेड मार्क्स चाहिए रहेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा जो सिमिलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो कोर्सेज है उसके बारे में, लाइक यहाँ पे हमने अभी ऊपर बहुत सारे कोर्सेज देख लिए, अब उसके बाद हम जो है उसी के रिगार्डिंग जो सिमिलर कोर्सेज है डिप्लोमा कोर्सेज उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते BTC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, INTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, DED डिप्लोमा इन एजुकेशन, PTC प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट, ETE एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, TTC टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और GTB यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। तो ये सारे के सारे जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यहीं पे जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया गया है BPED कोर्सेज के बारे में। सो गाइस BPED का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, उसी के साथ इसे जो है BPE के कोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है जो फोकस करता है मेन फिजिकल एजुकेशन पे। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है टोटल 3 ईयर्स का गाइस। उसी के साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप जो है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से यानी 12th आप पास आउट रहनी चाहिए और 50% आपका जो है एग्रीगेट मार्क्स किसी भी मीन्स एग्रीगेट मार्क्स आए हुए रहने चाहिए। और ये जो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया यानी कि 50% वो गाइस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है वेरी होते रहते हैं, यानी कि चेंज होते रहता है। हर इंस्टीट्यूट का जो एग्रीगेटेड परसेंटेज है मिनिमम मार्क्स है वो चेंज होते रहते हैं। और कोर्स पूरा होने के बाद गाइस आप जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि PE टीचर्स के द्वारा या तो इंस्ट्रक्टर के द्वारा आप जो है अपॉइंट किए जा सकते हो। अब बात करेंगे हम DPE के बारे में। सर DPE का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ऊपर जो था गाइस ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, अभी यहाँ पे जो है डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है। ये भी टोटल 2 साल का ड्यूरेशन है, यानी कि आपको 2 साल लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है तो यहाँ पे गाइस 10+2 12 पास आउट रहने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और आपका जो मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए वो 50% मिनिमम एग्रीगेटेड परसेंटेज आए हुए रहने चाहिए। और उसी के साथ गाइस आपका जो मार्क्स है यहाँ पे मिनिमम मार्क्स वो भी इंस्टीट्यूट वेरी करते रहेगा, यानी कि हर इंस्टीट्यूट पे जो है मार्क्स चेंज होते रहेगा। हर इंस्टीट्यूट में किसी में 40% किसी में 60% जो है मिनिमम मार्क्स वहाँ पे सेट किए रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे BEd के बारे में। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं BEd का फुल फॉर्म आपको बता दिया, सबसे पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ये जो है PG कोर्सेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है।
उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो और भी सारे आपको डिटेल्स बता दी कि आप ये जो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है उससे जो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो है पीजी कोर्स जो है बीएड का वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके पहले गाइस जो बीएड का जो कोर्सेज का जो ड्यूरेशन था पहले वो 1 ईयर्स का था, लेकिन उसके बाद कुछ सब्जेक्ट रिवाइज किए गए, सब्जेक्ट रिवीजन करने के बाद जो आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स का दिया और जो है एक्सटेंड कर दिया कोर्स का टाइम टोटल 2 ईयर्स का दिया। और गाइस उसी के साथ ये जो डिग्री है, डिग्री जो है आपको टीचर बनने के लिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल में टीचर बनने के लिए आपको जो बीएड कोर्सेज परस्यू करना जरूरी है आफ्टर फिनिशिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यहाँ पे आपको मैंने ऊपर ही ऑलरेडी बताया, जब ड्यूरेशन की बात की जाए तो टोटल 2 ईयर्स का जो ड्यूरेशन हो गया, 2 साल का आपका जो है जो ड्यूरेशन वो सेट हो गया है। रिवाइज करने के बाद पहले सब्जेक्ट रिवाइज होने के बाद आपका जो ये कोर्सेज का ड्यूरेशन 2 ईयर्स का, उसके पहले जो है सिंपली 1 ईयर का था। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास जो है बी ए बी एस सी या फिर बी कॉम डिग्री आपके पास मिनिमम होनी चाहिए और उसमें आपके जो एग्रीगेटेड 50% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, ये आप क्राइटेरिया, अगर आपने इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट की होगी मिनिमम 50% जो है एग्रीगेटेड मार्क्स के द्वारा, तो आप जो इसके लिए एलिजिबल हो। और गैस जो मिनिमम परसेंटेज यानी कि 50% जो मैंने आपसे कहा ये चेंज होते रहते हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, यानी आप वो डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट पर जा रहे हो उसने कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मार्क्स जो है रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांस कोर्सेज के बारे में, लाइक एमएड हो गया, एमफिल इन एजुकेशन हो गया, एमएससी एजुकेशन और एमए एजुकेशन हो गया। सो गाइस यहाँ पे आपको देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दिया है स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में, आपको यहाँ पे डिटेल दे दी, लाइक बीए बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया, बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के बारे में जान लिया, एडवांस कोर्सेज की लिस्ट देख ली है, साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट टीचर्स ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स देख लिए उसके डिटेल में जान लिया और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिटेल में जान लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेशनल आफ्टर मास्टर्स, यानी कि गाइस अगर आप जो है मास्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया, अपना जो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब चाहिए, तो गाइस उसके लिए आपको यहाँ पे एनईटी एसईटी या स्लेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारे के सारे जो है इसमें से किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम को आपको जो है क्रैक करना होगा और इसको क्रैक करने के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जॉब के लिए जो असाइन किए जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको एज ए रिक्रूट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टॉप 5 टीचर ट्रेनिंग बुक्स बता दी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप सिंपली इस बुक पे क्लिक कर सकते हैं, सिंपली बाय नाउ पे बाय हियर पे क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली आप अमेजोन पे चले जाएंगे। फिलहाल इस पे अच्छे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप जो है डायरेक्टली वहाँ से जो है बुक बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो सारी बुक्स बाय करने से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी टीचर्स फॉर टीच लेस लर्न मोर, यानी कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, टीचर ट्रेनिंग ओवर 1.5 बिलियन फेडरल फंड इन्वेस्टिंग इन मैनी प्रोग्राम, और भी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग बुक्स है, आप चाहे तो जो बुक्स बाय कर सकते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट हो इसमें पढ़ने तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को टॉप टीचर कोर्सेज आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू फेस नहीं होगा, हमने यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में आपको बता दी टीचर्स के बारे में जो है ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, 12th के बाद कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट और कोई डिटेल्स जाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई और वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।